हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम रील्स को फेसबुक पर कैसे रिकमेंड करा सकते हैं ताकि हमारे रील के ऊपर इंस्टाग्राम का लोगो आ सके। एंड यहां पर जैसे हमारे फेसबुक रील के ऊपर इंस्टाग्राम वाले लोगो पे कोई क्लिक करे तो व्यू ऑन इंस्टाग्राम दिखाए, एंड व्यू ऑन इंस्टाग्राम पर जैसे क्लिक करे तो वो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाए। इस तरीके के सेटिंग को कैसे करना है ताकि आपके भी रील के ऊपर इंस्टाग्राम का लोगो आ सके, तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर आपके इंस्टाग्राम का लोगो फेसबुक रील्स के ऊपर नहीं जाएगा। सो उसके बाद मुझे आप नहीं बोलना, तो आपको बस क्या करना है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। मैं आपको लाइव प्रूफ 100% करके ये दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना है कि आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। अब सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, अपने प्रोफाइल में आना है। आने के बाद थ्री लाइन का ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक करना होगा। अगर आपको इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक नहीं करने आता है तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से फेसबुक को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे लिंक करना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी का ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल करो या ना करो। इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल करो या ना करो। इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन मिलता है, इसको सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप लोग रील अपलोड करते हो तो अपलोड करते समय आपको क्या करना है, जैसा मैं आपको एक रील अपलोड करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये मेरा एक रील हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपलोड करते समय क्या करते हैं कि हमें शेयर टू फेसबुक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको ऑन करते हैं। बहुत सारे लोग का ऑफ होगा तो इनको ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ऑन इस तरीके से हो जाएगा। ऑन करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अपने रील को अपलोड करना है। जब आप लोग अपने रील को अपलोड कर दोगे तो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, से एक से दो दिन बाद अपने फिर रील पे आ जाना है, जो रील आपने अपलोड किया है एक से दो दिन बाद। ठीक है, एक से दो दिन बाद आने के बाद आपको क्या करना है कि अपने रील पे आना है। यहाँ पर आने के बाद थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। देन आपको मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, व्यू ऑन फेसबुक। अब यहाँ पर आपका जो रील है वो तो अपलोड हो गया फेसबुक पर, लेकिन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग को फेसबुक पर रील अपना ढूंढने में प्रॉब्लम आता है, तो जस्ट आप लोग व्यू ऑन फेसबुक पे आओगे तो ये चीज़ आपके डायरेक्ट फेसबुक में चला जाएगा। एंड फेसबुक में देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका लोगो देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग में होता क्या है कि व्यू ऑन फेसबुक का जो ऑप्शन आ रहा है वो शो नहीं करता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपना जो अकाउंट है उसको प्रोफेशनल अकाउंट में रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट है एंड क्रिएटर अकाउंट है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे व्यू ऑन फेसबुक का ऑप्शन है वो आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट है। तो आपको भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल करके रखना है एंड क्रिएटर में सेट करके रखना है। उसके बाद अपने इंस्टाग्राम को भी अपडेट करते रहना है, तो आपके भी इंस्टाग्राम में इस तरीके का जो व्यू ऑन फेसबुक का ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोग भी अपने रील को देख सकते हो अपने फेसबुक पे। सो जिनके भी रील के ऊपर व्यू ऑन फेसबुक का ऑप्शन नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ कि व्यू ऑन फेसबुक का ऑप्शन अपने इंस्टाग्राम पे कैसे लाना है। सो वीडियो अगर नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।